है जो उसका वायर फ्रेम होता है स्टील का और कार्बन फाइबर का, आज हम वो बनाएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, कंट्रोल एन और न्यू पार्ट। ओके, कंट्रोल एन इज फॉर न्यू फाइल एंड देन वी सर्च पार्ट, दैट इज वी आर वर्किंग ऑन ए पार्ट एनवायरनमेंट। ओके, हियर वी हैव ए मॉड्यूल और मॉडल मेकिंग पार्ट डिजाइन वर्क बेंच। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस प्लेन। इस प्लेन पे मैं रैकेट को बनाना स्टार्ट करूँगा। स्केच करते हैं, इस पे स्केच किया है, एक ओवल स्केच करूँगा मैं इस पे। ओके, डायमेंशंस मेरी अपने एज्यूम की हुई है, कोई एग्जैक्ट डायमेंशन या किसी रैकेट को देख के नहीं बना रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे दो डायमेंशन देने होंगे, मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस की। वो मैं सेंटर से दूंगा, सेंटर टू तो 58 इज कमिंग, लेट इट बी 60। इट इज राउंड फिंगर्स, आई एम जस्ट मेकिंग राउंड फिंगर्स। It is coming 44.75. So let it be 45. That is a round figure. Okay. This is the first frame where the all our strings are there. So this we are only making frame, not strings. We will not make strings. So exit. Now on this plane, I will sketch. I need to zoom a little. Okay, over here I will make a center rectangle. Here this is a center rectangle. Okay, now I will give dimensions to this thickness. Let it be 5 and the height let it be 6. Now exit. I will use the rib command here to make this frame. First profile I need, यहाँ पे अपना profile होगा जिस profile को हमें रोटेट करवाना है, ये प्रोफाइल और सेंटर का जिसके अराउंड हमें सॉलिड बनाना है ये वाला। और ओके, तो ये बन गया, इसको फिट कर लेते हैं स्क्रीन में, थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये दिख रहा है, बट वो शार्प पे नहीं होते हैं, कर्व एजेस होते हैं। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, स्केच में जाएंगे वापस, स्केच टू था हमारा, इसको जूम करेंगे। सेंटर में लाया, अपने स्क्रीन के अपने अकॉर्डिंग इसको जूम कर लेते हैं। अब हमारे पास कॉर्नर की कमांड है, कॉर्नर का कमांड यूज करके शार्प एजेस को राउंड कर लेंगे। डायमेंशंस मैं लास्ट में दूंगा, पहले एक बार सारे कर्व कर लेते हैं। एस्केप। नाउ अब हमारे पास डायमेंशन दे सकते हैं, लेट इट बी 1 इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। And exit. Now you can see.
फिट कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड, वी वांट, अगर चाहते हैं तो हम थोड़ा और कॉप कर सकते हैं इसको। क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है और हल्का जूम करना है। अभी मैं माउस का यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, नहीं तो मैं माउस का यूज करके भी कर सकता हूँ। मैं 1.5 कर रहा हूँ रेडियस सबका, जिससे हल्का सा सर्कुलर शेप ले लेगा जैसा हमारा बैडमिंटन रैकेट में होता है। ठीक है, अब एग्जिट करेंगे। अब फिट करते हैं स्क्रीन में, तो इसने वैसा सिमिलर शेप ले लिया है। हमारा बैडमिंटन रैकेट का फर्स्ट फ्रेम बन गया। इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग्स आती हैं, स्ट्रिंग्स अभी हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ फ्रेम बना रहे हैं। इसके नीचे हम इसका हैंडल बनाएंगे, उसके लिए स्केच करता हूँ। इसको ऊपर मूव करेंगे क्योंकि हमें हैंडल के लिए जगह चाहिए स्केच करने के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लूंगा मैं, इतना लेंथ काफी होगा। अब मैं 3 पॉइंट आर्क लूंगा, ऐसे। ठीक है, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करके फिट टू स्क्रीन करेंगे। और जो ये वाला प्लेन है इसका डेटम प्लेन लेंगे एक, सॉरी स्केच नहीं करना है, एक प्लेन लेना है इसके अराउंड। रिवर्स डायरेक्शन नीचे चाहिए और ओके। अब इस प्लेन पे स्केच करूंगा मैं। क्या स्केच करना है, सर्कल। सर्कल कितना होगा, जितना हमारा पहले फ्रेम था। कितना होगा, वो ज्यादा नहीं होगा, 5 mm का ही होगा वो भी। ठीक है, अगर हम इसको रेडियस देंगे या डायमीटर देंगे तो ये 5 और 4 होगा। और एग्जिट, फिट टू जूम अगेन, रिप कमांड यूज करेंगे। ये हमारा स्केच 5 और सेंटर को हमारी ये वाली है। ओके, लाइक दिस। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे हम मिरर कर लेंगे इस प्लेन के अबाउट। तो इतना हमारा बन गया है। अब हमारे पास क्या बचा है इसके लिए, अब इसका हैंडल बचा है जो हमें पकड़ने के लिए यूज होता है। ओके, वो कितना समझ आ गया होगा। अब फिर से इसी प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, इस पर स्केच करूंगा, सेंटर में ले आते हैं, हल्का जूम करूंगा मैं इस पे। और हम हैंडल, हमारे पास या तो सर्कुलर हैंडल होता है या फिर हेक्सागोनल, तो अभी मैं हेक्सागोनल रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ पे सेंटर। और इतना काफी होगा,
और एग्जिट, इसको सिंपल पैड कर देंगे इन रिवर्स डायरेक्शन। अब इसको जूम टू फिट करते हैं, हमारा रॉकेट रेडी है। मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बाकी सब सही है। चाहो तो जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मटेरियल अप्लाई किया था, हम मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर। कहाँ से होगा, मिनिमाइज सेलेक्ट बॉडी और मटेरियल, क्या देना है हमें, मेटल में जाते हैं, स्टील दे देते हैं और अप्लाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे स्टील का मटेरियल आ गया है, अगर मूव करके देखोगे सारा ब्लैक हो गया, स्टील का कलर है इस पे। अगर मटेरियल नहीं देना तो हम, मेरे पास पेंटिंग भी है, हम पेंट कर सकते हैं, मोस्टली ब्लू कलर का होता है, ब्लू अप्लाई कर देते हैं, बॉडी सेलेक्ट की अप्लाई, तो ये ब्लू पूरा ब्लू हो गया है। अगर सिंगल सिंगल फेस करना है, इसको अलग कलर देना है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ से नहीं होता वो। तो आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूँ सब समझ आ गया होगा कि कैसे ये यूज किया हमने, कौन कौन से कमांड्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। हमने पहले क्या किया, एक फ्रेम सर्कल बनाया ओवल, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल को आग के अराउंड एक्सट्रूड कर दिया, फिर ये वाला बनाया और इस पार्ट को, छोटे पार्ट को इधर मिरर कर दिया और हैंडल बनाया। डेट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में।